आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे Amazon Pay में न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद Amazon Pay में आपको कैसे अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, यानी बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद उसमें UPI जो पिन होते हैं उस UPI पिन को कैसे जनरेट करना है, A to Z प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया विजिट करें तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फोन को। Amazon ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप Amazon ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको अपना कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके कंटिन्यू एंड इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद से यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना, तो न्यू टू क्रिएट अकाउंट जो बीच वाला दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको फर्स्ट एंड लास्ट नेम डालना है। उसके बाद से आपको उस मोबाइल नंबर को डालना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। उस मोबाइल नंबर को डालने के बाद यहाँ पे कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेना। उसके बाद से वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पे नेम और मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर के बाद से आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा Amazon Pay का। Amazon Pay पे आपको क्लिक कर देना है। Amazon Pay पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ समय वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि बैंक अकाउंट ऐड करना। तो सिंपली आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हैव ए रेफरल कोड, तो इंटर हेयर पे क्लिक करना। अगर रेफरल कोड है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। हो सके तो मैं यहाँ पे रेफर कोड दे दूंगा, उस रेफर कोड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको रेफर कोड देखने को मिल जाएगा। उस रेफर कोड को यहाँ पर डालकर उसके बाद से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको बैंक अकाउंट चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट हो उसको देख लेना। उसके बाद से उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अलाउ का ऑप्शन में अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई योर मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे अगर आपके मोबाइल फोन में दो सिम रहेगा तो यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा कि सिम वन में है या सिम टू में है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करके उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस प्रकार से वेट करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल से एक SMS जाएगा जो कि बैंक के पास, उसके बाद से बैंक वेरीफाई करेगा। उसके बाद से वेरीफाई होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे कि दो स्टेप यहाँ पे पूरा हो चुका है, थर्ड स्टेप में यहाँ पे आपको अपना कार्ड यानी आपको ATM कार्ड की डिटेल डालना है। तो यहाँ पे ATM कार्ड के लास्ट 6 अंक नंबर डालना है। उसके बाद से यहाँ पे वैलिड आपको मंथ डालना है, यहाँ पे ईयर डालना है। उसके बाद से आपको सेट योर UPI पिन पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल चुका, ठीक ऐसे ही आपको भी डाल देना। उसके बाद से सेट योर UPI पिन पे क्लिक करना है। सेट योर UPI पिन पे क्लिक करेंगे प्लीज वेट लिखेगा, यहाँ पे एक OTP आएगा जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग सा अपना UPI पिन डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना UPI पिन डाल देता हूँ। तो सिंपली आपको अपना UPI पिन डालकर उसके बाद से यहाँ पे साइन वाले चिन्ह पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको उसी UPI पिन को कंफर्म करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं फिर से यहाँ पे अपना UPI पिन को डाल देता हूँ। फिर से डालने के बाद साइन वाले चिन्ह पे क्लिक कर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्लीज वेट लिखेगा, सिंपली आपको थोड़ा देर तक वेट कर लेना है। थोड़ा देर वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट के लास्ट अंक, यहाँ पे आपका UPI ID और यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो है बैंक अकाउंट एंड UPI पिन जो है बनकर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से इजीली आप अपने बैंक बैलेंस, यहाँ से चेक बैलेंस पे क्लिक करके आप अपना UPI पिन को डालकर यहाँ से बैंक बैलेंस को चेक कर पाएंगे। कुछ इस प्रकार से Amazon Pay में अपना जो न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, साथ ही साथ इसमें बैंक अकाउंट ऐड एंड UPI पिन को। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया विजिट करें तो प्लीज रेड बटन को क्लिक कर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।